रतनगढ़ के पास एक महत्वाकांक्षी डैम बना करके सिंचाई की एक बड़ी परियोजना बहुत जल्दी एक बड़ा मूर्त रूप लेने जा रही है, जिसको लेकर के हमारे साथ में है जो अधिकारी हैं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे इस परियोजना के बारे में, कब तक पूरा हो जाएगा ये? इसको अभी समय लगेगा, 2025-26 तक ये योजना पूरी हो पाएगी। अभी डैम बनाने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस होना वो नहीं हो पाया है, तो डैम का काम अभी नहीं चल पा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी हम लोग जो 19,000 समथिंग का जो हमारा क्षेत्र है पीएच वन का, उसको हम लोग सिंचाई करने जा रहे हैं। उसके लिए पंप हाउस का खुदाई का काम चल रहा है और जल्दी जल्दी हम लोग उसका पंप हाउस का निर्माण कराने जा रहे हैं। इसके साथ ये है कि जो पंप हाउस नंबर वन से जो सिंचाई होनी है उसके लिए पाइप लाइन का काम शुरू हो गया है और अक्टूबर 2023 के एंड तक हम लोग मतलब 30 हेक्टर तक जो पानी देने की प्लानिंग है वो लोग हम लोग तैयारी है और 30 हेक्टर तक पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। सर इसमें कितने किसानों ने अभी तक पंजीयन वगैरह कराया है जिन? जब हम लोग वाटर सप्लाई शुरू करेंगे, जब सिंचाई शुरू करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पंजीयन नहीं होता, हमारे यहाँ एग्रीमेंट कराया जाता है। किसान लोग हमारे जो हैं, पहले तो हम लोग पहली साल तो लगभग लोग जो रहता है हम लोग बिना एग्रीमेंट के पानी देते हैं लोगों को, और उसके बाद फिर एग्रीमेंट। जो पाइपलाइन डाली जा रही है किसानों के खेतों में से, क्या उनको कोई मुआवजा भी दिया जा रहा है? नहीं नहीं, वो 1 मीटर 1.5 मीटर नीचे पाइपलाइन है, उसका कोई मुआवजा नहीं होता है। कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा? कब तक पूरी हो जाएगी योजना? 2026 तक पूरी होगी, पर जो अक्टूबर 2023 में हम 30 हेक्टर तक पानी चलाएंगे। जो कंपनी काम कर रही है डैम बनाने का, क्या उसके काम से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, डैम नहीं बन रहा, डैम का काम चालू भी नहीं हुआ अभी तो। हाँ, तो सिर्फ पाइप लेंग का जो दो कंपनी अलग अलग काम कर रही, जो रतनगढ़ डैम पर जो खुदाई हो रही है, डैम पे L&T कंपनी है, उसने तो अभी काम चालू ही नहीं किया। उसने सर्वे वगैरह किया है, ड्राइंग डिजाइन बनाया है, वो उस काम किया है। अभी चूंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ है, इसलिए डैम का तो कोई काम करने का भी सवाल ही नहीं होता। तो जो वहाँ पर जो अभी पहाड़ को काटा गया है काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर, वो पहाड़ को काटा गया है, वो पाइपलाइन डालने के लिए काटा गया है। अच्छा, पाइप लेंग हो रही है, उसको काट के पाइप डालने को बंद कर देंगे। अच्छा जी, पाइपलाइन भी जगह जगह पर डाली गई है, कई जगह पर बीच में छोड़ दिया गया है। पाइपलाइन ऐसे ही डलती है, मतलब वैसे जैसे जो जगह हमको खाली मिल जाती है वहाँ डाल देते हैं, उसके बाद में जो दोबारा वो जो कोई जगह रह गई वो मिल जाएगी तो उसमें डाल देते हैं, जॉइंट लगाते जाते हैं उसमें। अच्छा जी, जल संसाधन मंत्री जो है वो ग्वालियर के प्रभारी मंत्री भी हैं जी, क्या उनका कोई विशेष निर्देश भी है इस योजना को लेकर के? हाँ, उनके निर्देश है कि इसमें अक्टूबर में पानी चलाना, अक्टूबर में पानी चलाना, माननीय मंत्री जी के निर्देश।